हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फोर क्लास सेवेंथ विज्ञान विषय है और ये वर्कशीट आपके लिए 26 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम रिवाइज करेंगे प्राणियों में पोषण चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मानव में पाचन। ठीक है, सो मानव में पाचन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न एक दिया गया है, आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल और उसके साथ जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे यकृत है, अग्नाशय है, वो सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या परिवहन तंत्र। आसानी से आप आंसर कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा? पाचन तंत्र, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दो है, लाला रस लार जो है वो मंड को डैश में परिवर्तित कर देता है। तो जो लाला रस है, लार है, वो मंड को किस में परिवर्तित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या शक्करा। तो लाला रस बेटा मंड को शक्करा में बदल देता है। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, शक्करा में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न तीन है, मिलान करें। सो स्तंभ एक दिया गया है, स्तंभ दो दिया गया है। स्तंभ एक को स्तंभ दो से आपको मिलान करना है। तो देखिए, दूध के दांत, दूध के दांत क्या होते हैं? प्रथम सेट, दांतों का प्रथम सेट, तो एक का आंसर हो जाएगा। ग्रसिका, ग्रसिका क्या करती है? मुख गुहिका और आमाशय को जोड़ती है, तो ये जो है दूसरे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रसा अंकुर, रसा अंकुर क्या होते हैं? रसा अंकुर उंगली के समान जो है संरचनाएं होती हैं, जो कि अवशोषण में सहायता करती है, तो ये नंबर तीन का आंसर हो जाएगा। जीभ, जीभ क्या है? जीभ मांसल पेशीय अंग है, ये नंबर चार हो जाएगा। और पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशय पित्त रस का संग्रहण करता है, ये नंबर पांच का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मैच कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया गया है प्रश्न चार, अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। तो आपने डायग्राम किया है तो उसमें यकृत जो है वो उदर के ऊपरी भाग में, ठीक है, दाई ओर जो है स्थित होता है। यह शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। वन मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यह पित्त रस श्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। तो यकृत कौन सा रस श्रावित करता है? पित्त रस। और एक थैली जिसमें ये संग्रहित होता है उसको हम पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्तरस जो है वो वसा के जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको क्या करता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, हमारे शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो अभी हमने पढ़ा बेटे यकृत कहाँ स्थित होता है, तो आप आंसर में लिख देंगे, आंसर में आप यहां से लिख देंगे, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। तो ये आपका प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पित्तरस के क्या कार्य हैं? सेकंड का आंसर करेंगे, पित्तरस के क्या कार्य हैं? तो पित्तरस का कार्य हमने भी पढ़ा, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये हम प्रश्न एक है, ये प्रश्न दो मान लीजिए, तो ये आपका प्रश्न दो का उत्तर है और ऊपर वाला कौन सा है? वो प्रश्न एक का उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पांच है, प्रश्न पांच, उचित विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थान भरना है। शुदांत्र यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शक्करा जैसे कि किसमें टूट जाता है? वो ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, सो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आ जाएगा ग्लूकोज। और प्रोटीन किसमें टूट जाता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो यहाँ पे नंबर एक में आप ग्लूकोज फिल करेंगे और नंबर दो में आप अमीनो अम्ल फिल कर देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है बेटा साइंस की, और इसके साथ जो एसएसटी की वर्कशीट है वो भी आप कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, उसमें आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप दूसरी वर्कशीट भी इसके साथ कर सकते हो। सो आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।